Hi guys, welcome back to my channel Rinki Tutorial. This is me, your Rinki, and welcome to another exciting video. तो गाइज़ कैसे हो आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ ये टीनेजर्स वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक लेकर आई हूँ। इस मेकअप ट्यूटोरियल में मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट को यूज़ करके इस मेकअप लुक को अचीव किया है, जैसे कि टीनेजर्स बहुत कम मेकअप करना पसंद करते हैं। ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बगल में छोटा सा नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुँच जाए और आप मेरी वीडियोज़ को वॉच कर सको। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड कर लो। मैंने यहाँ पे प्लम का मिस्ट लिया है, आप मिस्ट के जगह पे टोनर भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा आईब्रो पेंसिल लिया है और उसे जस्ट अप्लाई किया है गैप्स में, और उसे ही एक स्पूली की हेल्प से अच्छे से कॉम कर ले रही हूँ ताकि जो मेरा आईब्रोज़ है वो नेचुरल शेप में ही रहे। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंसीलर लिया है, यहाँ पर मैंने मेबलिन का कंसीलर लिया है। आपके पास जो भी कंसीलर हो आप उसे अच्छे से अप्लाई कर लो। एंड मैंने आईलिड्स पे भी कंसीलर अप्लाई किया है जिससे कि आप जो भी आई शेडो अप्लाई करो वो उभर कर आए। तो कंसीलर कभी भी स्किप मत कीजिएगा, और जल्दी मैं अच्छा सा एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई मेकअप के ऊपर, सो स्टे ट्यून्ड। तो मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ, और यहाँ पर मैंने डैम ब्यूटी स्पंज लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे आई शेडो के लिए आज हुडा ब्यूटी का शेडो पैलेट लिया है, एंड इन दोनों शेड को लेकर अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। और जस्ट आपको इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करते जाना है। आपको जितना डीप चाहिए आप उस हिसाब से आप उसे जस्ट इनवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे शिमर शेड लिया है, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। मैंने आज कोई कट क्रीज ड्रॉ नहीं किया है, जस्ट सिंपल सा उस आई शेडो को पिक किया एंड फ्लैट ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर ले रही हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो काफ़ी पिगमेंटेड है ये। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये वाला ग्लिटर लिया है और उसे अप्लाई कर लिया है लीड पे। अब चलते हैं फेस मेकअप की ओर। तो मैंने यहाँ पे बायोटेक का मॉइस्चराइज़र लिया है, ये काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है और मेरी स्किन को काफ़ी सूट करता है। तो आपके पास जो भी मॉइस्चराइज़र अवेलेबल है आप उस मॉइस्चराइज़र को अप्लाई कर सकते हो, एंड पूरे अच्छे से आप अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए जिससे कि आपका फेस जो है वो मॉइस्चराइज़र को। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है, मैं इसे एज प्राइमर के रूप में अप्लाई करूँगी क्योंकि टीनेजर्स हो तो आप स्किप कर सकते हो प्राइमर को, तो उसके जगह पे आप इससे अप्लाई कर सकते हो जिससे कि आपके फेस पे एक अच्छी सी लेयर बन जाए। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन लिया है, ये शेयर टू मीडियम कवरेज प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो इसे बिल्डअप भी कर सकते हो, बट ये काफ़ी अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है एंड काफ़ी अफोर्डेबल है। ये आपको 350 के अराउंड मिल जाएगा ये वाला फाउंडेशन। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आपने मेरी लास्ट वीडियो चेक किया कि नहीं, माँ काली मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है, अगर नहीं चेक किया तो ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। तो फाउंडेशन को आप जब भी अप्लाई करो उससे धीरे धीरे टाइम लेकर आप अप्लाई करना। उसके बाद मैंने कॉन्टोरिंग के लिए सेम उसी पैलेट में से डार्कर शेड अप्लाई किया है, और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा ये कवरेज दे रहा है। तो मैं इसी से अपने पूरे फेस को अच्छे से कॉन्टोरिंग कर लूँगी, चिक्स पे, फोरहेड पे एंड जॉ लाइन पे भी अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे आज बेकिंग नहीं किया है, जस्ट मैं पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई के नीचे जिससे कि मेरा फेस थोड़ा सा हाइलाइटेड दिखे। मैंने आज कंसीलर अप्लाई नहीं किया है, और ब्रश के लिए भी मैंने सेम पैलेट में से ये वाला शेडो लिया है एंड अप्लाई कर लिया है। नेक्स्ट मैं अपने लोअर वाटर लाइन पर ये वाला पेंसिल अप्लाई कर ले रही हूँ, ब्लैक है, जिससे कि आपका जो आई मेकअप है वो थोड़ा सा गुड दिखे। इसलिए मैं लोअर लैश लाइन पे काजल अप्लाई कर ले रही हूँ, और आपका आई मेकअप जो है वो डन है। और हाइलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का हाइलाइटर लिया और काफ़ी पिगमेंटेड आप देख सकते हो। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और थैंक यू सो मच। मैं वीडियो को देखने के लिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।